क्या रक्षाबंधन पर्व सिर्फ एक त्योहार है जिसे हम मनाकर फिर भूल जाते हैं, या एक संकल्प है जिसे हमें पूरे जीवन निभाना चाहिए? रक्षाबंधन पर्व की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्वता क्या है? आखिर रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और जानेंगे कि रक्षाबंधन पर्व को अलग अलग देशों में और अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की पौराणिक और ऐतिहासिक महत्वता बताते हुए कि आखिर रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है। तो बात उस वक्त की है जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था और देवराज इंद्र बार बार परास्त हो रहे थे, यानी असुरों से देवताओं की सेना और देवराज इंद्र की सेना बार बार हार रही थी। देवराज इंद्र की एक बहन थी जिसका नाम था इंद्राणी। इंद्राणी को भी जब इस बात का पता चला कि लगातार देवराज इंद्र असुरों से हार रहे हैं, तो उसने एक महायज्ञ किया और महायज्ञ के तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। उस रक्षा सूत्र को देवराज इंद्र की कलाई पर बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर देवराज इंद्र को दोबारा युद्ध के लिए भेज, और उसके बाद उस तपोबल और उस रक्षा सूत्र से देवराज इंद्र ने दानवों पर विजय प्राप्त की। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ पर कलाई बांधकर उसके दीर्घ आयु और विजय होने की कामना करती हैं। फिलहाल ये जानते हैं कि रक्षाबंधन पर्व को कौन कौन से देशों में और कौन कौन से राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में इसे गुरु पूर्णिमा और दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा और नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में आपने जान ही लिया होगा कि रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है और किस देश में रक्षाबंधन पर्व को किस नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। नमस्कार।